अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे पास बिहार से तीन लोग आए, तीन पेशेंट, और तीनों पेशेंट अलग अलग बीमारी, अलग अलग मर्ज लेके आए, और वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि जाहिल लोग हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते कि अपने लोग बिठाते हो और इंटरव्यू लेते हैं आप लोगों से, और जो अच्छा होता है उसका लेते, जो अच्छा नहीं होता उसका लेते नहीं। असल में कई लोग आके जाते हैं यहाँ से, मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेता नहीं, और उतना लेने के लिए अपने पास टाइम भी नहीं है। तो यार भाई लोग जा रहे हैं अपने बिहार लौट कर, तो इनके अंग में हाजिरी आती थी, तीनों के अंग में हाजिरी आती थी, तीन के चौथा भी इधर एक बैठा है, चार लोग की हाजिरी आती थी। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ना मैंने उनको सिखाया कि आप ये बातें करो, वो खुद बोलेंगे कब से आ रही थी। अभी मैंने उनका कैसा इलाज किया ना, वो आप खुद अपने उन्हीं की ज़ुबानी सुनो आप, ठीक है। ये है हमारी एक बहन, जो कहाँ से आई थी तुम? जोर से, बिहार से। भाई पंखा बंद कर लिया, एक नंबर। बिहार से आई, क्यों आई मेरे पास? ये अपने इलाज के लिए आई थी। क्या इलाज प्रॉब्लम था? मेरे प्रॉब्लम था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, सिक्स शब्दों और फिर और भी कुछ था। सिक्स शब्दों का असर था और भी कुछ था। असर था? कितने साल से था? तीन साल से। तीन साल से क्या इलाज किया तुमने? क्या बस रुकिया सुनी। रुकिया सुनते थे? कहीं इलाज करने के लिए नहीं गए आप? हाँ गए थे बहुत ज्यादा। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या बोले? उन्हीं लोग को बताया कि ये जादू है, ये सिख शब्दों का असर है, ऐसा बोले। हाँ तो कुछ हुआ नहीं तुमका फायदा? नहीं। तो आप यूट्यूब के जरिए मेरे पास आए, मैंने क्या किया तुम्हारा इलाज? अब चार पाँच दिन मेरे पास आए, और चार पाँच दिन कंटिन्यू आप पे हाजिरी आती थी, हाजिरी आती थी, हाजिरी आती थी। फिर मैंने बोला आपको कुछ मामला नहीं है, आपका प्रॉब्लम दूसरा है। फिर मैंने आपको ये दवाई दिलाया, ये दवा पीने के बाद, खाने के बाद उसी दिन से आपको आराम आया? आप कंटिन्यू चार पाँच दिन हो गए आपको कुछ भी हाजिरी विजरी नहीं आती। फिर ये बहन हमारे पास इससे पहले भी आई थी, और ये टाइम भी आई मेरे पास। इनको क्या मामला था आप बोलो भाई, क्या मामला था इनको? ये कितने साल से बीमार थी ये? 17 साल से। 17 साल से क्या इलाज कर रहे थे 17 साल से? आप दो तीन जगह गए थे हम इससे पहले भी। इनका प्रॉब्लम है नमाज नहीं पढ़ना, कुरान नहीं पढ़ना, बॉडी में भी परेशान, दर्द हो गया, बॉडी में दर्द वगैरह। और क्या फीलिंग करती थी, ऐसा हिलना डुलना हाजिरी की जैसा फीलिंग करती थी? हाँ। चीखना चिल्लाना फलाना में धमकाना ये वो यहाँ वहाँ की बातें करती थी? जी। 17 साल से चला। आपने इससे पहले हैदराबाद में भी दिखाए थे? जी, वहाँ पर तो बोले आप पहली मतलब वहाँ हाजिर हुआ, फिर वहाँ कुछ बातें किया यहाँ वहाँ की? जी। ये बहन मेरे पास पहले भी आई थी, और सेकंड टाइम फिर अभी मेरे पास आई। मैंने इनको चार पाँच दिन देखा, जब मुझे मालूम पड़ा कि इनका प्रॉब्लम दूसरा है, तो मैंने इनको ये दवा दिया। जैसे इन्होंने दवा खाई, दो दिन से तीन दिन हो गया, अलहमदिल्ला इनका हाजिरी आना बंद हो गया। फिर ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये दरभंगा से आए हुए, ये डॉक्टर बन रहे हैं, ये उनके दादू है, और ये इनकी मम्मी है। मम्मी के ऊपर भी प्रॉब्लम था, तुमको क्या प्रॉब्लम था? यही था कि नमाज में वक्त नहीं दिल लगता था, एकदम चिड़चिड़ापन था, लगता था कि कोई मुझे बोले नहीं, अकेले में रोने का दिल करता था, कुछ काम करने का मन नहीं, भूख नहीं लगती थी। अल्लाह की शान है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, बहुत अच्छी हूँ। कितने साल से प्रॉब्लम था ये? मुझे करीब जो है दो तीन साल से मुझे ऐसा हो रहा। अच्छा, तो मैंने क्या लींबू अंडा मुर्गा दिया? नहीं, आपने कुछ नहीं दिया, आपने कुरान से शफा दी है हमको। मैंने पानी शहद तेल वगैरह दिया? कुछ नहीं दिया। मैंने आपको पानी तेल शहद और गोलियां वगैरह दिया? वो दिया है। उससे आपको आराम आया? जी, बहुत आराम। आपके बेटे को क्या होता था ये जो डॉक्टर बन रहा है? जो है मेरे बेटा को जो है जादू के जरिए खिलाया गया था, जिससे जो हम लोग बहुत परेशान थे, जिससे हमारी माली हालात भी बहुत खराब हो गए। उधर से हम कहाँ गए, मजारों पर भी लोगों ने बताया, वहाँ भी हम लोग गए, लेकिन हम लोगों को शफा नहीं मिला। किधर से नहीं मिली? इधर आने में कैसा लग रहा है? यहाँ पे आए तो हमको बहुत अच्छा लगा है। मेरे बच्चे पर यहाँ पर हाजिरी आई, हाजिरी के बाद जो है मौलाना ने अपने तरीके से इनको कुरान के शफा दिलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा बहुत अच्छा। ये है डॉक्टर साहब, डॉक्टर बन रहे हैं अभी, ठीक है? जी, तबीयत अच्छी है एकदम जी। ये है बिहार की फैमिली माशाल्लाह, अल्लाह इनको जज़ा खैर दे, शिफाए कामिला आजिला मुतकब्बिला अता फरमाए, और अभी ये लौट रहे हैं अपने बिहार के लिए, ठीक है? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।